बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से ज्यादा विवादों में घिरी रहने वाली एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा इन दिनों फिर से अपने एक विवादित बयान को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के एक ट्वीट को रीट्वीट करने और गलवान घाटी का नाम बीच में लाने के बाद से ऋचा एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। ऋचा पर सेना का अपमान करने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर मनोरंजन जगत के सितारों तक सभी ऋचा के इस ट्वीट के बाद से ही अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिनेत्री माफी मांग चुकी हैं, लेकिन मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। कई सितारे भी ऋचा की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच एक और बेहद चर्चा में रहने वाली शख्सियत ने ऋचा पर जुबानी हमला बोला है। हम बात कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस फेम एक्ट्रेस और मॉडल अर्शी खान की, जो कभी अपने बेबाक अंदाज तो कभी अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में अर्शी खान चंडीगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन निर्भीक लॉन्च किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अर्शी खान ने भी ऋचा चड्ढा के उस ट्वीट का विरोध किया जो ऋचा ने सेना के खिलाफ किया था। अर्शी ने कहा कि देश, सेना और किसी धर्म के खिलाफ बोलने और लिखने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऋचा चड्ढा हो या कोई भी हो, ऐसे लोगों के ट्विटर अकाउंट को ही सस्पेंड कर देना चाहिए। अर्शी ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसे लोग घर पर बैठकर नशा करके ऐसे ट्वीट करते हैं, अगर उसमें इतना ही दम है तो वो देश के सैनिकों की तरह बॉर्डर पर जाकर ड्यूटी करके दिखाए। मैं तो सीधा बोलती हूँ कि अगर ये आर्मी के खिलाफ करें या फिर रिलीजन के खिलाफ करें तो सीधा इनका ट्विटर ही सस्पेंड कर देना चाहिए। आई डोंट वांट इट, क्योंकि ये लोग ना घर बैठे बैठे बट मुझे लगता है नशे में पील भी लेते हैं और उसके बाद ट्वीट करना स्टार्ट कर देते हैं और इनकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सीज बन जाती हैं। ऋचा चड्ढा और या कोई भी हो, आई डोंट लाइक इट। मतलब धर्म के नाम पे या फिर आर्मी पे रिलेटेड, अगर आप में दम है तो आप आर्मी में जाकर करके दिखाओ ना जो काम वो लोग करते हैं। धर्म धर्म हिंदू मुसलमान को लेकर ही हमेशा लड़ाई करवाओगे क्या? गौरतलब है कि बिग बॉस सीजन 11 में भी अर्शी बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थी, लेकिन बिग बॉस सीजन 14 में आने के बाद उन्हें एक बड़ी पहचान मिली। बिग बॉस के घर में अर्शी ने अपने फैशन सेंस से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसके अलावा अर्शी इश्क में मर जावा, विश और सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल जैसे टीवी शोज में भी नजर आ चुकी है। वही अर्शी खान 2015 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ अफेयर की वजह से भी चर्चाओं में आई थी। फिलहाल अर्शी खान के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।